Assalamu alaikum. Uh, my name is Shafat. Most of you probably know me, Ghazi Saab. well, a lot of other dignitaries or whatever, Log. This is the third time I'm in this hall. दिस वेन्यू टू बी प्रिस और टू बी ऑनेस्ट अभी तक मैंने ये अटेंडेंस नहीं देखा सो प्लीज अच्छे फॉर ऑल ऑफ यू गायल आप सब मुझे जानते हैं मैं कौन हूं uh, आप सब लोग ये भी जानते हैं मैं क्या करता हूं और बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि आई एम you know, pretty new in this field. I'm just a new sensation. Uh, but I've been in this comedy thing for quite a long time. I started my career 12 Pele as a documentary writer for Aaj News. And then I became a Pashto newscaster on AVT Khyber. <laughs> and uh, from there, I started writing four-man show on Aaj TV. That went for four years. और उसके बाद फिर हम जियो न्यूज पे एक प्रोग्राम करते रहे बनाना न्यूज नेटवर्क बी एन एन जिसमें हमने गाजी साहब का गा भी बहुत किट लगाई <laughs> और उसके बाद चैनल 24 फोर पे आई हैड अ शो कॉल्ड मेरे अजीज हम वतनो और उसके बाद से आई एम राइट इन फ्रंट ऑफ यू सो बिग फॉर हिस्ट्री अच्छा साढ़े पांच बज गए हैं आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरे सामने इस्लामाबाद का क्राउड है सो यू गाइस विल बी फीलिंग स्लीपी नो रियली अच्छा कितने लोग वैसे कैन आई हैव अ फ्रॉम इस्लामाबाद एनी वन फ्रॉम रावल पिंडी वो लॉर्ड ऑफ पिंडी बॉयजिंडी बॉयज आई लव यू पिंडी बॉयज यू नो वट वट द बेस्ट थिंग अबाउट पिंडी बॉयज गो टू दुबई दुबई में भी जाके वो लोग बुर्जुल खलीफा को दुबई दी सेंटोरस कहने ग्रेट गाइज मैं मलेशिया जाएंगे पेट्रोनसा पेट्रोनस दिए guys. आई लव यू guys. एक दफा पिंडी गाइज अपने लिए खुद ही शेयर करें no no, नहीं मजा नहीं आया मजा नहीं आया एक दफा पिंडी guys अपने आप को शेयर करें जरा

शो कराची देना होता था पढ़ना पिशावर में होता था टू एंड फ्रो एवरी वीक आई हैड टू ट्रेवल फ्रॉम पिशावर टू कराची एंड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सकरीबन चार साढ़े चार साल तक आई हैड टू ट्रैवल ट्रैवल एंड आई मेट सम रियली गुड गाइस ड्यूरिंग माई ट्रैवलिंग एक तो अच्छी चीज अच्छी बात यह हुई कि मैंने पी का जो एक्सपीरियंस हासिल किया है उसके बाद आई कॉल माई सेल्फ अ डॉक्टरेट इन पी जस्ट इमेजन आई वॉज ट्रैवलिंग टू कोलामपुर और कौला लमपुर जाते हुए एक एयर होस्टिस मेरे पास आई और वो एक डोलची मेरे हाथ में थमाई ये रिवर्व बहुत ज्यादा है मुझे थोड़ा सा कम रिवर्व चाहिए ताकि मेरी आवाज मुझे खुद समझ आए पहले लोगों को तो बाद में समझ आएगी या yeah, थोड़ा कम थोड़ा कम मजीद थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम ओके ओके okay, okay, okay. मैं, मैं कोलांपुर ट्रैवल कर रहा था कौला ट्रैवल करते हुए एक एयर होस्टेस मेरे पास आई उन्होंने मेरे हाथ में वो एक डोलची पीआईए पी वालों की एक डोलची होती है स्पेसिफिक जिसको वो कप कहते हैं उसमें ना कुंडा पकड़ने की जगह है ना उसको आप पी सकते हैं बंदे का दिल तो ही जाता अच्छा भाई डोलची ला दी अब बाल्टी भी ला दोगे नहा ले नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं है वो डोलची उन्होंने मुझे ला के दी और कहा कि जी आगे करें हमने वो डोलची आगे की उन्होंने कॉफी पलटानी शुरू की अब कॉफी उन डेलते हुए उनका निशाना खता हो गया और कॉफी गरम गरम कॉफी मेरे पैर पे गिरी चीख निकली पहला रिएक्शन उनका जो आगे रिएक्शन था उससे भी ज्यादा बढ़कर हाँ जान के थोड़ी गिराया ना आई नो मैंने आगे से कोई, कोई, कोई चीखना चाखना नहीं आई नो

You नो know, very important flight. अच्छा हम सफेद पोस्ट मिडिल क्लास ये लोग हमने कहा भाई चलो ठीक है सीट दे दो, बताया कि गया आखिरी पैसेंजर हैं आपके बाद कोई नहीं है यहाँ पे आप आखिरी पैसेंजर हैं भागे वहां से कार्ड पकड़ के भागे जब भी बोर्डिंग लाउंज में पहुंचे बोर्डिंग लाउंज में आगे पुलिस वाले खड़े हुए रेंजर्स खड़ी हुई सिक्योरिटी खड़ी हुई फौज और सॉरीबाद Sorry, sorry. Forge, Park, Forge, in the Yes, very good. Bhai. You know, I'm in, I'm in, you know, I'm just in the in a very wrong neighborhood, probably. Well, yeah, you both are here, right? You know, Park Forge, Yes. We will not meet milenge. Okay. Anyway, I was told main main daakhla, that, "Ji, quickly, please. Your flight is and i was running. As I entered it was a Boeing 320. Anybody in a, have ever been in a Boeing 320?" या थ्री ट्वेंटी और हम जैसे लोग जो हमारी सीट हमेशा या इमरजेंसी पे आती है डर के मारे क्योंकि अगर प्लेन क्रैश हो जाए तो सिर्फ अपने आप को ये तसल्ली देनी होती है कि हम बच जाएंगे जिसका इम्कान नहीं होता <laughs> और उसके बाद या आखिर में सीट मिलती है या जंप सीट मिल जाती है एयरस्टिस के साथ अगर जुगाड़ हो तो भाई हमने ईद पे जाना है जल्दी पहुंचा दो कुछ कर लो कुछ कर लो यू नो दैट्स मेरी सीट थी कोई 52C 52C शायद प्रॉब्ली मैं जैसे ही जहाज में एंटर हुआ मैं जहाज में एंटर हुआ मैं बड़ा अजीब मंजर देखा ऑन माई लेफ्ट ए बी सी जे के एल ये रोज अरेंजमेंट है ए बी सी पे बैठे हैं इमरान खान साहब जहांगीर तरीन साहब शाह महमूद कुरैशी साहब अच्छा हम ठहरे मिडिल क्लास ही है यू नो मिडिल क्लास तबका हमारी पैदाइश के दो मकसद होते हैं पहला शादी कर लो दूसरा सेल्फी बनवा लो इमरान खान के साथ हम जहां भी होते हैं हमें अपनी पैदाइश जस्टिफाई करनी होती है मिडिल क्लासिया आपको कभी कमारा नहीं मिलेगा ये अपर क्लास के चौंचलेनी एनीवे anyway, बैठने लगे खान साहब नजर आ गए खान साहब नजर आए तो ऑब्वियसली पहला रिएक्शन मिडिल क्लासी का सर है सेल्फी सर के है वह सेल्फी, सेल्फी खान साहब का आगे रिएक्शन अच्छा नहीं सर सर प्लीज एक सेल्फी सर सेल्फी सर सेल्फी सर सेल्फी अच्छा खान साहब के साथ नोट नहीं किया था जहांगीर तरीन बैठे हुए थे अच्छा जहांगीर तरीन साहब जानते हैं ना आप सब सब जानते हैं ना कौन-कौन जानता है जहांगीर तरीन साहब को अच्छा हाथ नहीं खड़ा करना क्लास नहीं हो रही बीकेना हाउस वालों शोर मचा के बताओ कौन-कौन जानता है सारे बीटीआई वाले हो। <laughs> जब जहांगीर तरीन साहब साहब बैठे जहांगीर तरीन साहब चला है चला पैसे चला पैसे चला पैसे चला।, चला है अच्छा जब जहांगीर तरीन साहब बोलेंगे शाह महमूद साहब को अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा अचानक जस्टिफाई करने खड़ोगे देखिए खान साहब महवे इस्तराहत तरह हैं आप उनके आराम में महल ना हो यह कहना था उनका मैं छिट्टों में भीग गया अच्छा वैसे इस हॉल की सबसे बड़ी बात यह मैं ज्यादा जज्बात में आगे नहीं आ सकता खंदक खुदी भी है जज्बात में आया नीचे दो चार महीने पहले मैं ऐसी हॉल में आरडीबी के साथ परफॉर्म कर रहा था डांस करते हुए बार बार ये ख्याल आ रहा था कहीं जज्बात में टांग वांग ना टूट जाए अच्छी बात है अच्छी बात है खंदक खुद नहीं चाहिए पर्पज नहीं समझ आया इसका इस हॉल के लिए भी तालियां और इस खंदक के लिए भी तालियां <laughs> पाक चीन दोस्ती एनी anyway, अब शाह महमूद साहब ने चिट्टों में भिगो दिया मैंने कहा सर प्लीज सर एक सेल्फी सर मैं पीछे ही जा रहा हूं प्लीज

लेकिन ये जहाज भी इसी का जहांगीर सब आउट ऑफ नोवेयर जाग और चल चल जल्दी कर मैंने खान साहब को दूध भी पिलाना है खान साहब की बात सुन के हम अभी बैग उठाया ही चाहते थे देखा कि इस तरफ मियां नवाज शरीफ साहब बीच की सीट खाली और मियां शहबाज शरीफ साहब अब मियां साहब को देखते ही हमें तो याद आ जाता है कि अरे असली लोग तो ये हैं एलडीए की फाइलें इनसे ली हैं कल को मेरा प्लॉट मोटरवे में आ सकता है यू you नो know? हमारे तो ये मसाइल है ना फौरन मियाँ साहब को देखते ही हमने आपको कहा नहीं 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 जी वो तो गलत हो गया सर सलाकुम सर सलाकुम सर कैसे हैं आप सर ठीक ठाक सर सर वो सॉरी सर वो खान साहब को देख के सर वो सर वो थोड़ी सी सर सर वो सर, वो, सर, वो सर आपको शर्म आनी चाहिए नवाज शरीफ साहब का एक प्रॉब्लम है वो हमेशा तकरीर करते हुए दो ऑप्शन देते हैं आपको आनी चाहिए या नहीं चाहिए बोलो आपको मोटरवे चाहिए या नहीं चाहिए आपको तब्दीली अच्छी लगती है या नहीं लगती ये सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब बंदा ना हाँ में दे सकता है या ना में दे सकता है सर।, सर वो सर वो खान साहब को देख के थोड़ा जज्बात ना कर माई फादर And Shahzada -e Mazam's father. They both were very good friends. Perhaps they exchanged some precious gifts. It was pretty normal back then. My father and Shahzada -e Mazam father used to travel long, long journey. माई फादर वॉज ब्रिटिश ट्रेट फॉरवर्ड इसे कहते हैं पर्ची की मिस टाइमिंग <laughs> कभी कभार हो जाता है यू नो मैं कह सर वो आप वो बता बताए नहीं वो दानिया अजीज साहब बताते ही रहते हैं हर रोज हर रोज कुछ ना कुछ उनसे सुनने को मिलता ही रहता है सर सॉरी सर मियाँ छोटे मियाँ साहब बैठे अब छोटे मियाँ साहब को मैंने ना बात की ना नीत अल्लाह ही कसम मुझे बिल्कुल कभी उनसे बात नहीं की अचानक बोल पड़े आपको शर्म आनी चाहिए शर्म आनी चाहिए आपको अच्छा मियाँ छोटे मियाँ साहब का एक प्रॉब्लम है जैसे ही वो एक्साइटमेंट में आते हैं उनकी उंगली कांपना शुरू हो जाती है और वो सख्त होती जाती है यू नो आपको शर्म आनी चाहिए भैया साथ बैठे हैं और आप उस तरफ जा रहे हैं खुदा की कसम आप यहाँ से रुखसत ना हुए और मैंने आपको सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम दैट्स छोटे मियां साहब अब बैग उठाया आगे घसीटने ही रहे हैं पीछे से आके दूसरा बैग टकराया

अब तू मेरा साथ नहीं बैठ सकती टाइम गुजर चुका यहां से इस्लामाबाद बीस मिनट की फ्लाइट है और बीस मिनट में मेरा तेरा निकात दोबारा नहीं हो जाना गाजी साहब हंस ले आपने बहुत सख्त मुंह बनाया हुआ मैं जानता हूं कि मैं टॉक शो एंकर्स की तरह बात कर रहा हूं स्टूपिडिटी का मैं मानता हूं उतना ही लेवल है लेकिन मैं फनी हूं <laughs> फर्क वेल <laughs> well, अब हमने बैग उठाया हम बैग उठा के आगे भागने लगे अब पीछे जो मियाँ साहब वाले हैं मियाँ साहब के पीछे मियाँ साहब की पार्टी छोटे मियाँ साहब के पीछे छोटे मिया साहब की पार्टी ये लोग हम पे झुकते मार रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब और मैं कहता हूँ ये, ये वो जाओ नस जो ना ट्रैक्टर ट्राली ने हम बैग उठा के जा रहे हैं आगे पीछे बैठे हैं। और मैं कहता तो हूं बिस्ती हो गया तेरी अमरूदे मुंह वाले और बिस्ती हो गया तेरी ऐसी पोजीशन में आदमी जवाब भी नहीं दे सकता ना छोटे मियां साहब के लोगों को आप नहीं जवाब दे सकते ये फैक्ट है

एनीवे <laughs> वे anyway, अब स्लाइट में जैसी बैठ गए सब सीट बेल्टीट बेल्ट बांध ली एकदम जहाज का जो बैरूनी एयर कंडीशनर होता है वो ऑफ हो गया अच्छा जहाज में दो ए होते हैं ये मुझे भी दो दो साल पहले ही पता चला है तो इसलिए टेंशन नहीं लेना जब जहाज खड़ा होता है तो उसमें बाहर से आकर एक ए सी कर दिया जाता है अच्छा ये चश्मा उर्दू का लफ्ज है हम इसको ऐसे ही अपनी तफरी में ले रहे हैं एक एसी चश्मा कर दिया जाता है और वो एसी अंदर सारी जो है हवा फेंकता रहता है और तब तक जहाज ठंडा रहता है जब जहाज के इंजन स्टार्ट हो जाते हैं तो जहाज के अपना एसी चल पड़ता है ये एक टेक्निकल टेक्निकल चीज है है सी बात है। लेकिन बहरहाल जहाज का बैरूनी एसी ऑफ कर दिया गया गर्मी बढ़ गई घुटन बढ़ना शुरू हो गई अब गर्मी बढ़ती जा रही है टेंशन बढ़ती जा रही है गर्मी हो रही है टेंशन हो रही है जहाज में खामोशी अब तो वो तराने भी नहीं चल रहे वो जो आप ए में बैठते हैं तो वो जो शहीदों के तराने लगे हुए होते हैं ना बंदे को लगता है हाँ यार ये वाकई आखिरी सफर होगा हम्म तराने भी आ रहेगा कल you know, मैं शहादत तो भी ऐसी दौर शुरू हुआ था घुटन बढ़ने ही लगी थी टेंशन बढ़ी रही थी अचानक मैंने कहा कि चलो, बेल करते हैं। बेल कि हमने बेल्ट होता यह है कि या तो एक अम्मी नुमा आंटी आ जाती है या एक हसीनो जमील जज्बाती लड़का आ जाता है अच्छा इसका ये मतलब नहीं मैं पेशावर से तो तुम लोग हंसो घंटी बजाई घंटी में आ गया एक स्टिवर्ट, अब यूजुअली होते हैं बिलावल मटेरियल ना मतलब इसी किस्म के यू नो जज्बात की बात कर रहा हूं दूसरी तरफ नहीं सोचो जज्बातीत वाले लोग होते हैं अब वो जैसी बेल बजाई एक साहब आ गए जी क्या कहिएगा मैंने कहा भैया मैं यहां नीचे बैठा तुम उधर कहा किसको देख के बात कर रहे हो? प्रॉमचर पढ़ रहा हूं प्रॉम्प्टर पर लिखे होते हैं मैंने कहा भैया इधर बैठा हूं शहनशाह जज्बात यहां देख के बात करो जी क्या कहिएगा मैंने कहा भैया जहाज कब स्टार्ट होगा जहाज में एक टेक्निकल प्रॉब्लम हुए हैं अच्छा भाई क्या हो गया जहाज में टेक्निकल प्रॉब्लम फिलहाल तो ऐसा लगता है कि जहाज के पाना लीक हो गए हैं अच्छा ये लो भाई असली बंदा भी आ गया यहाँ पे ये वैसे बड़ा पढ़ा लिखा बड़ा अच्छा आदमी है लेकिन जब ये स्टेज पे आता है ये बिल्कुल भूल जाता है कि ये कौन है पाकिस्तान की शान है आप पाकिस्तान की आन है आप इमरान खान है आप भाई इमरान खान, खान है कोई अंडरटेकर थोड़ी है यार इस तरह कोई डब्ल्यू डब्ल्यू एफ में किसी रेसलर को भी नहीं बुलाता बट आई लव यू यार आई लव यू यू आर सच ए ग्रेट मैन यू जस्ट गेव दिस दिस वट एवर दिस कंटेनर मैनेजमेंट होल न्यू फॉर्म ब्रो आई मीन इट्स डिफिकल्ट थिंग इट्स प्रॉब्ली अ न्यू जॉनर एज वेल आई मीन वेल एनी वे बिग चीज फॉर फॉर फैसल जावेद जस्ट लव दिस गाय एनी अब बातचीत हो ही रही है पाना के ऊपर मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है तुम चले जाओ वो चले गए अब हम बैठे हैं, गर्मी में सड़ रहे हैं जहाज में कुछ सिंगर भी बैठे हुए तो यार कोई गाना छा नहीं गवा लो सिंगर से पता चला कि पहले एक साहब बैठे हुए उनकी नाक का थोड़ा सा इशू था मैंने कहा भाई तुम कोई गाना सुना दो मैं गाना तो सुना दूंगा लेकिन वो गाना कोई कवाली हो सकती है या वो कोई पुराना गाना हो सकता है चलो भाई तुम कोई पुराना गाना है, कोई कवाली सुना दो नहीं कवाली तो वो होगी मैं सिर्फ उसमें हे हे करूंगा दैट विल बिकम एन आतिफ वर्जन ऑफ दैट कवाली <laughs> चलो भाई तुम फैज साहब का कोई सुना दो यू you नो know, हालात ऐसे टाइट हुए हैं कोई फैज साहब की सुना दो व्हाई नॉट बहार आ तो लौट आए हे 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 ओ, 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 ओ। हमने से कहा भाई तू बंद तू चुप कर जा तू चुप कर जा अब फैसल भाई यहां मौजूद मौजूदा मैं टारगेट नहीं कर रहा लेकिन इन लोगों की वजह से एक और प्रॉब्लम भी हुआ है सब आर्टिस्ट पॉलिटिकल हो गए हैं इंक्लूडिंग मी सब आर्टिस्ट पॉलिटिकल हो गए हैं इंक्लूडिंग सम सिंगर्स एज़ वेल अबरार भाई खड़े हो गए आउट ऑफ नोवेयर मैं सुनाऊं मैं सुनाऊं जी ही सुना दे ओ <laughs> जितना भी है इमरान खान जितना दूजियां जमात वे बाणा पिटना जित जाव सांडी तहरीक व अज मेरा जी करदा ओ इमरान खान का जुलूस आज मेरा बरार भाई कोई कोई सूदिंग सी चीज कोई ऐसा माहौल पॉलिटिकल ना हो ना दूसरे लोग भी बैठे हैं यहाँ पे गर्माईश नहीं चाहिए कोई ऑलरेडी बहुत गर्मी है एक और सुना देता हूँ हम एक किसान नूबिद दयानी कॉल कॉल बैनु दयविनाल न जनानु न जनादनाल खेडु दे ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਛਾ ਲ ਜਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟ ਬਾਬਾ ਮਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੂੰ ਐ ਕੁੜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਾਲ ਉਸਨੱਚ ਮਲ ਮਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਣੈੜੀ ਨਾਲ ਹੱਸ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਐ ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਅਬ ਇੱਕ ਚੇਸ ਹੋਣਾ ਬਰਾਰ ਭਾਈ अब फिर मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा लेकिन एक और बात आ रही है शहजाद रॉय खड़े हो गए मैं कुछ मैं सुनाऊ मैं सुनाऊ मैं हां तू सुना दे तू भी जस्टिफाई कर ले अपनी पैदाइश हमारी तरह मेरे पास एक गाजिया पॉलिटिकल पॉलिटिकल गाना गाऊंगा अब मैं भाई तू पहले भी साली साली गा चुका है पता नहीं क्या कुछ पॉलिटिकल में तू क्या उखाड़ लेगा चल भाई गा दे जो गाना है मेरे पास एक कहा गया मेरा मुलाजिम कहां गया मेरा मुलाजिम कहां गया हाँ हाँ भाई तू एक मुलाजिम बंदा साथ में लेके आया हुआ था वो कहीं सीट के नीचे घुसा हुआ था क्या क्या नो उसको निकाल लिया हाँ मेरा गाना सुनो अपने गोरे अब तक आई एम नॉट मेकिंग दिस इज एन एक्चुअल सॉन्ग यू नो इट राइट दिस इज एन एक्चुअल शहजाद रॉय ने पता नहीं ये क्या था इसमें कोई तामीरी सलाहियत थी कोई सियासी कोई इनकलाबी सोच थी अपनी जात में कोई चगोवारा बना था वो नहीं पता बखुदा नहीं पता रात को उसने सोने में से पहले कुछ खाया हो नहीं पता कैसे ये गाना हो। वो बना के फिर वीडियो भी बनाया फिर इतना कॉन्फिडेंस हो कि उसको छाप भी दे पूरी दुनिया पर नहीं होता इतना कॉन्फिडेंस किसी में यू नीड टू बी एट समेज यू नो ऑफ डिसबिलिटी भैया गाना बना के और कहा कैसा लगा कैसा लगा किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया खान साहब के पास चले गए खान साहब मैंने गाना बनाया अप... <laughs> <इह क्या> <laughs> जहाज की पनामा लीक हुई पड़ी है। और तू सारी दुनिया को बता रहा तेरा उल्लू सीधा शाहजाद का जवाब सर दिस मोर सर दिस मोर क्या इतने वो मुलाजिम आ गया शहजाद राय आया मुझे किडनैप कराया खुशदार से यहाँ लेके आया हर घर का सफाई कराया सारे सफाई का पैसा खुद खिलाया मुझे कुछ भी नहीं दिलाया मेरे कंधे पे चढ़ के सारा नाम कमाया आखिर में मुझे वापस खुशदार भिजवाया मैंने फिर तंदूर पे रोटी लगाया हैविंग सेड दैट शहजाद रॉय इज अ डियर फ्रेंड और

दिल के रास्ते में कैसी ठोकर मन खाए टूटे खाब सारे एक मायूसी हे हर खुशी रफी साहब को कॉपी करने वाला आदमी है वो ना रफी साहब का एक्सप्रेशन आता था लोगों को प्यार होता है रफी साहब को प्यार होता था लोगों का संगे मरमर होता है रफी साहब का मरमर होता था <laughs> एक्सप्रेशन वाले सुर से हिले बगैर सुर से हिले बगैर अच्छा अब यहाँ पे जो सामने सीनियर सिटीजन बैठे मैं जो पतली गली से निकालना क्योंकि मेरा यहां पे कतले आम हो जाएगा रफी साहब की शान में गुस्ताखी करती <laughs> anyway, अब वो सोनू सोनू भैया खड़े हो गए वो उनके गाना शुरू हो गया हमने कहा भाई तू तूरह जा दिल के रास्ते में ठोकर खा ली तो क्या हो गया यहाँ जाना जा, जहाज की पानामा लीक हो रही है बैठ जा दादा बैठ जा पता चला कि जहाज में कहना उसमें टोई आपका पायलट आपसे मुखातिब है हमारे जहाज में एक छोटी सी तकनीकी खराबी पैदा हो गई है जिसकी वजह से जहाज का पायलट चेंज किया जा रहा है पायलट चेंज हो रहा है जहाज का पायलट इतने हजरात जहाज का नया पायलट आपसे मुखातिब है जंग छोटी हो या बड़ी स्टार्ट हो या कोल्ड स्टार्ट रवायती हो या गैर रवायती पाक फौज हर तरह के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है था था था। मेरा यह बयान फ्लाइट के तमाम शुरुआ हैश टैग शुक्रिया राहिल शरीफ करके ट्वीट कर दे के अब्बा कहीं बीच में ही बैठे हुए थे फ्लाइट के खड़े हो गए पायलट साहब आप कोई जाला तो नहीं यहां पे। अच्छा गोली बाद में मार लेना पहले स्टैंड अप मुकम्मल होने दो पायलट साहब आप तो तीन साल बाद चले जाएंगे हम हमेशा रहेंगे आपने अगर हमसे टकराने की कोशिश की तो हम आपकी हीट से हीट बजा देंगे ये कहते ही हथौड़ा उठाया दरवाजे पे मारा एमरजेंसी एग्जिट खोला स्लाइड बाहर निकाली दुबई <laughs> किसी ने बताया नहीं जाते हुए जितनी छिल्लट थी साथ वाली बैठी हुई लड़की को पकड़ा गई ले पकड़ भाई तू पकड़ आज भी उस लड़की को एफ आई ढूंढती फिर रही है छिल्लड़ ज्यादा नहीं थी यही कोई पांच लाख डॉलर आ, मेरे नौजवानों, वक्त आ गया क्या अब तलाशी का टाइम है एक बंदा आउट ऑफ नोवेयर, जिसको कोई नहीं जानता खान साहब के हाथ से माइक लेकर मैं कहता हूं जी कर्बानी से पहले कर्बानी होगी शेख ये तु अभी तक क्या किया ये मरी की चढ़ाई पे रक्षा चढ़ रहा था मैं चश्मे तस्वुर से इसको देख रहा था क्या हालात खराब हो गए हैं मेरा ख्याल है इस वक्त मार्च के महीने के बाद अप्रैल आ जाएगा बहुत हालात खराब है जी बहुत हालात खराब अब मुझे लोगों ने व्हाट्सएप करने शुरू किए दबा दबा दब व्हाट्सएप करने हमने कहा व्हाट्सएप बाद में पढ़ लेंगे पहले अगले को तो सुन ले। फ्लाइट के नौजवानों अल्लाह ने इंसान के हाथ में दो चीजें दी एक माइक दूसरा मिला रहा है पाकिस्तान और ऊपर से बारिश अगर हो जाए और बगैर बनियान कुर्ता पहनाओ फेसबुक पे करोड़ करोड़ लाइक पड़ता है पीटीआई के जलसे भी अजीब जलसे इधर बच्चियां डोल रही हैं बताता कोई नहीं लेकिन घरों में इनकी अम्मियां भी डोल रही हैं और मेरे पीटीआई के टाइगर्स आधे खुद से निकले हुए बाकियों को बीवियां लेके आई हुई है वक्त आ गया अब जहाज पर मौजूद इन दो बंदों की तलाशी होगी यह पनामा कैसा लीक हुई तलाशी होगी अब बस बस इमरान बस कर, बस कर, अपना मुंह बेखो जी में ताजा ताजा बोटॉक्स है, ये बात नहीं करेगा आया आया जूता आया आया जूता मारेगा मारेगा नहीं नहीं आई लव दिस गाय इज अ वेरी टॉलरेंट गाय अच्छा ये हमारा तरीका होता है अगले को डिफ्यूज करने का टॉलरेंट <laughs> गाय तारीफ कर दो डिफ्यूज हो जाएगा ये टेक्टिक है बच्चों याद रख लो कहानी आगे बढ़ रही है जनाब ख्वाजा आसिफ साहब खड़े हो गए और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है और कोई अथक होती है किस बात की ये जो आई तो मुझे नहीं पता <laughs> पायलट की तरफ से अनाउंस कर खातन हजरात सब काम ठीक ठाक चल रहा है जहाज की मामूली रिपेयर भी हो गई है पनामा लीक तो बस एक बहाना था असल काम तो जहाज को ठीक कराना था अब इस जहाज को एक जमहूरी पायलट उड़ाएगा ये कहना था तो अचानक दोनों टॉयलेट्स जो थे वो अनोखे के हो अंदर से हजरात निकल आए लोग हैरान तलाशी हुई कहीं पता चला फैसला में पहुंच इतने में एक गाड़ी आके जहाज के अगले पहिए से लगी जहाज को खींचती भी रनवे पे लेके भी रही अब 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 गए अब गए अब के, तो हेल बैठे भी है टेंशन बढ़ रही अचानक जहाज टैक्सी पे आया रनवे पे दौड़ना शुरू हुआ दौड़ा 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 टेक ऑफ कर गया

it's time minus five. I think it's right time to say thank you very much. Thank you, SOT. Thank you, Picanhouse, for providing me this opportunity. It's a wonderful platform. I love you podcast. Everybody, you. And before I sign off, I need to have a selfie. Right? Here.